हेलो फ्रेंड्स, teachmedaily.com में आपका स्वागत है। दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। अगर आपने हमारा टीच मी डेली चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे यहाँ पर से सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर यहाँ पर से होवर लाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मुलेस, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स और वेरियस ट्रिक्स जैसे वैदिक मैथ और दूसरे मेथड्स आदि डालते रहते हैं, जो आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में जानेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर होते क्या हैं और उसके बारे में जानेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक कंसेक्यूटिव नंबर प्रॉब्लम जो होती है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस दो चार क्वेश्चन तो आते ही हैं हर बार। तो कंसेक्यूटिव नंबर की पहले हम डेफिनेशन एक बार सीख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ उसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो कंसेक्यूटिव नंबर होता क्या है? कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो कंसेक्यूटिव एक के बाद एक मतलब जैसे पहला हम वन ले रहे हैं तो वन के बाद एक के बाद उसके बाद क्या आएगा? टू आएगा, टू के बाद थ्री, ऐसी फोर फाइव फिर इन्फिनिटी, मतलब डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स भी हम जैसे पहला नंबर हमने ले लिया, टू ले लिया तो उसके बाद टू के बाद फोर आएगा, दूसरा कंसेक्यूटिव इवन नंबर, उसके बाद सिक्स, सिक्स के बाद एट। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जैसे हमने पहला ले लिया वन ले लिया, उसके बाद थ्री, वन के बाद क्या आएगा? थ्री आएगा, थ्री के बाद फाइव आएगा, फाइव के बाद सेवन आएगा, सेवन के बाद नाइन आएगा। देखिए इनमें भी जो डिफरेंस है वो सेम है, और जो डिफरेंस क्या है? टू टू का है, वन के बाद टू का डिफरेंस आ रहा है तो टू यहाँ पे, सब में बराबर डिफरेंस है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम कंसेक्यूटिव नंबर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 96। जो थ्री कंसेक्यूटिव नंबर का सम है वो 96 है, तो हमें क्या ढूंढना है? व्हाट आर द नंबर्स, मतलब हमें वो नंबर्स पता करने हैं। तो हम क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर क्या क्या हैं? थ्री कंसेक्यूटिव नंबर पहले क्या क्या होते हैं? एक्स होता है एक, दूसरा होता है एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। तो अब क्या बोला है, इन तीनों का सम जो है 96 दिया है, तो हम इन तीनों का ऐड कर लेते हैं। तो एक्स प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू, और जो सम दिया है वो हमें कितना दिया है? 96 दिया है। तो 96 यहाँ पे लिख लेते हैं सम दिया तीनों का। तो अगर ये x प्लस एक्स प्लस एक्स तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा और 2 प्लस वन थ्री इक्वल्स टू 96। अब क्या करेंगे, 3x ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, और जो ये 90 ये जो 3 है ये यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा यहाँ पे। 96 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? 93, और यह है 3x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 93 अपॉन 3, दैट इज 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमारा x कितना आ गया? 31। पहला नंबर है 31, दूसरा कितना हो जाएगा इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू 31 रखेंगे तो 32, और यहाँ पे x की वैल्यू 31 अगर रखते हैं तो 33। तो तीन हमारे जो नंबर हैं ये मिल गए हैं, 31, 32, 33 जो हैं थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो अब हम अपना आंसर चेक भी कर लेते हैं एक बार कि ये आंसर सही है या नहीं। तो हम क्या करते हैं,
इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 31 प्लस 32 प्लस 33 कितना आता है, 96। देखिए 96 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे आंसर सही है। दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 194। टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो सम है वो कितना दिया है हमें, 194 दिया है। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर्स पता करने हैं। तो क्या करते हैं हम, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं, x होता है, दूसरा होता है x प्लस 2 और इसमें हमें दो ही पता करने हैं, तो हम दो ही लिखते हैं, x और x प्लस 2। तो इन दोनों का जो सम है वो 194 है, तो x प्लस 2 तो वो कितने हैं, 194। x प्लस x 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 194। 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 194 माइनस 2, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 194 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 192। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 192 अपॉन 2। तो इसे हम अगर डिवाइड करते हैं 2 से, 192 को, तो कितना होता है, 2 9 जा 18, 2 6 जा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 96। अगर पहला कंसेक्यूटिव नंबर 96 आ गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 2 कर देंगे उसमें, ये 96 है तो 96 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 98। तो पहला कंसेक्यूटिव नंबर कितना आया, 96, दूसरा 96 प्लस 2, 98। तो चलिए ये आंसर हमारा सही आया या नहीं आया इसे हम चेक भी कर लेते हैं। 96 प्लस 98 का अगर हम सम करते हैं तो 194, ये देखिए आ गया हमारा आंसर। तो इसका मतलब ये जो हमारा दो कंसेक्यूटिव नंबर आए इनका सम 194 ही है, इसका मतलब ये आंसर सही है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 231। जो थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना है, 231 है। तो हमें क्या पता करना है इसमें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर को हमने पता करना है, कौन सा सबसे बड़ा उसमें नंबर होगा। यह कंसेक्यूटिव ऑड नंबर अगर दिया है तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहला क्या होगा x होगा, दूसरा होगा x प्लस 2, तीसरा होगा x प्लस 4। मान लीजिए x की जगह हम 1 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा और 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, तो ये ऑड नंबर बन जाएगा। इसका मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, x, x प्लस 2 और x प्लस 4। तो चलिए हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 231, तो हमें इसे भी सम करना है, तो प्लस करेंगे इन तीनों को, इन तीनों का सम कितना दिया है, 231। x प्लस x प्लस x तो 3x प्लस 4 प्लस 2 6 इक्वल टू 231। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 231 माइनस 6 225। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 225 अपॉन 3। थ्री सेवन जा 21
एक कैरी आ गया तो 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आई 75। इसका मतलब पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या है 75। तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा 75 प्लस 2। 75 प्लस 2 कितना होता है 77। तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर 75 प्लस 4, दैट इज 79। इन तीनों को ऐड भी कर लेते हैं एक बार और आंसर देख लेते हैं। 75 प्लस 77 प्लस 79, 231। देखिए 231 हमारा आंसर आ गया, इसका मतलब ये आंसर सही है। तो हमें इसमें क्या पता करना है, और लास्ट में फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या है, 75, 77 और 79 में लार्जेस्ट नंबर है ये 79। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।